Kanaiya Kumar destroyer. Kanaiya Kumar murda. पटना में अग्निपथ योजना को लेकर सत्याग्रह कर रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। युवाओं ने कन्हैया कुमार को देशद्रोही बताते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नारेबाजी कर रहे युवाओं के बीच मारपीट भी हुई। असल में कन्हैया कुमार जिस समय भाषण दे रहे थे उसी दौरान एक युवक उनका विरोध करने लगा और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगा। बस फिर क्या था, बाकी के युवा भी उग्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं युवाओं का कहना था कि कन्हैया कुमार देश के खिलाफ बातें करते हैं, इसीलिए वो उनका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद कन्हैया कुमार ने भाषण खत्म कर दिया और उन्हें सिक्योरिटी में वहां से निकाला गया। आपको बता दें कि सेना में बहाली के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस सोमवार को बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह कर रही है, जिसकी शुरुआत पार्टी के चर्चित युवा नेता कन्हैया कुमार ने की थी। कन्हैया कुमार आज दोपहर 12 बजे पटना सिटी के चौका शिकारपुर पहुंचे, जहां आयोजित धरने में उन्होंने भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई नेता इस धरने में शामिल थे। कन्हैया कुमार ने कहा कि अग्निपथ योजना बिहार के युवाओं पर भारी पड़ेगी, सेना की नौकरी करना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या सेना को ठेका के हवाले कर दिया जाना चाहिए। वहीं मदन मोहन झा ने कहा कि लोगों को लड़ाने का काम हो रहा है, अग्निपथ युवा विरोधी योजना है, केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से लंबी पूछताछ के बावजूद हमारे नेता कार्यकर्ता उग्र नहीं हुए, लेकिन अग्निपथ योजना को देखने के बाद देश भर के नौजवान उग्र हुए। हम अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करेंगे, सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे। और कहते हैं कि झूठ चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, सच की जीत सुनिश्चित होती है और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अपने नेता राहुल गांधी की तरफ से हम आपको कहना चाहते हैं कि हम अग्निपथ के विरोध में हैं। सरकार वापस ले, नहीं तो आप सरकार को वापस कीजिए, हम अग्निपथ योजना को वापस करेंगे। इन्हीं सभी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रवादियों का धरती है, सदैव शुरू से रही है, इसी स्थान पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। आप बताइए कि यहाँ भारत के टुकड़े होंगे जैसे नारे देने वालों का स्वागत क्यों कर रहे हैं आके? आखिर यहाँ के नेता साबित क्या करना चाहते हैं? हम लोग कोई भी देशद्रोही का यहाँ समर्थन नहीं होने देंगे, ना ही आगमन होने देंगे। हम लोग का समर्थन नहीं करते हैं, देश को बांटने की बात समर्थन नहीं करेंगे। क्या हुआ, हम लोग के साथ नारा लगाए तो हम लोग के साथ मारपीट हुआ, धक्का समर्थन दिया तो हमने विरोध दिया तो क्या गलत किया हमने? जो कन्हैया कुमार कन्हैया कुमार करते हैं 1300 टुकड़े होंगे, उसका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं? हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। यहाँ पर धक्का मुक्की क्यों हुई? धक्का मुक्की हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग शांति से एक जगह बैठे हुए थे। मंच से साफ तौर पर ऐलान किया गया कि उन लड़कों को मारो, ये कहाँ का संविधानिक हक है? क्या विरोध करना हम लोग का संविधानिक हक नहीं है? देश में क्या युवा का दाड़ है जो वो लोग मारेंगे? वो कौन होते हैं हम लोग को मारने वाले और वो कौन होते हैं ये ऐलान करने वाले? बात से साफ तौर पे कौन लोग थे? वो असामाजिक तत्व, वो सामने बैठे हैं जो ऐलान कर रहे हैं साफ तौर पे। किस पार्टी के थे? हम लोग को मारने की बात कर रहे हैं। कौन पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। अगर हम लोग को विरोध करना अगर हक नहीं है तो क्या इस देश में हम युवा नहीं रह सकते हैं? मारपीट भी किया गया, बिल्कुल धक्का मुक्की किया गया, मारपीट किया गया हम लोगों के साथ। हम लोग यहाँ कन्हैया कुमार का विरोध करने आए थे, तो इस देश का टुकड़े होने की बात करते हुए देश का युवा उसका कभी साथ नहीं दे रहा। पटना साहिब है यहाँ, किसी भी देशद्रोही को पनपने नहीं दिया जाएगा। सुन ले कौन कौन के, पटना साहिब कन्हैया कुमार अपने कार्यकर्ता से हमला करते हैं कि आप लोग अपने सामाजिक तत्व को सूचित करते हैं। ये सारी मीडिया यहाँ पे जो मौजूद है वो देख सकती है, ये लोग वो लोग हैं। आप कितना मंच पे हैं? आप कितना मंच पे हैं?
जिम्मेदारी है तो हम सब पकड़ लेने का। क्या नाम हुआ? हम अग्निवीर का समर्थन नहीं करते हैं, तो हमने बोला कि अग्निवीर का समर्थन हम करते हैं, हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो बस इतना ही सा बात था, तो उसमें उनका नहीं, अब कुमार के जितने भी समर्थन थे जो नेता थे वो हमको आए कॉलर धर लिए, धक्का मुक्के हम नारे साथ किए, तो फिर भी मैंने चुप रहा। फिर वो हम लोग को मारने की कोशिश किए, तो हमने नारा लगाया कन्हैया कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार भारत के टुकड़े होंगे, जैसे नारे लगाए कन्हैया कुमार ने। और हम लोग राष्ट्रवादी युवा हैं, हमेशा राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान भी चल जाए तो कोई परवाह नहीं है। इसलिए हमेशा भारत सबसे पहले, भारत उसके बाद हम, उसके बाद कुछ और, सबसे पहले भारत उसके बाद कुछ और। मेरा नाम हुआ रोहित कुमार, सिटी से ही है, पटना सिटी से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।